हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियन सब यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम रस्किन बॉन्ड की, शॉर्ट स्टोरी में स्पेशली। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश राइटिंग में हम प्रोज राइटिंग की अगर बात करें तो कई जॉनरा है, ड्रामा है, नॉवेल है, एसे है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, नॉवेला है, शॉर्ट स्टोरी है। देखिए, हिंदी में एक जॉनरा है कहानी, इंग्लिश में ऐसा कोई जॉनरा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर GENRE वर्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। टू प्रोनंसिएशंस आर देयर, वन इज जॉनरा, अदर वन इज जार। जॉनर नहीं, जॉनरा, जार। और जेनर तो बिल्कुल मत बोलिएगा, ठीक है, जार या जॉनरा। तो हिंदी में कहानी एक जॉनरा है, एक विधा है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी है। अच्छा, अब शॉर्ट स्टोरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम ही शॉर्ट होगी। उसका नाम है, इट मे टेक इवन हाफ एन आवर आर एन आवर इन रीडिंग दैट। तो शॉर्ट स्टोरी नाम से ऐसा मत समझिएगा कि बस दो चार पेज, वो 50 पेज की भी हो सकती है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। बस ये है कि नॉवेला से थोड़ी छोटी होती है, नॉवेल से ज़्यादा छोटी होती है, नॉवेल बड़ा होता है, शॉर्ट स्टोरी थोड़ी छोटी होती है, और जो नॉवेला होता है वो बीच वाला होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे रस्किन बॉन्ड की। देखिए, M.K. नायक की बुक में रस्किन बॉन्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन बस गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को मिला देंगे तो मुझे लगता है कि एक पेज मुश्किल से नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ी इन्फो हम विकिपीडिया से लेंगे और बाकी कुछ काम की चीज़ हम M.K. नायक वाली पुस्तक से देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, रस्किन बॉन्ड द लिविंग लेजेंड। बात करते हैं इनकी विकिपीडिया के थ्रू। जन्म हुआ है इनका 1934 में, अभी ये मसूरी में ही रहते हैं। इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली, मतलब अपनी शादी वगैरह नहीं किए हैं, अडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मसूरी में। मसूरी कहाँ है? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. क्या बात है? The Indian Council for Child Education ने recognize किया कि इनका अच्छा contribution रहा है children literature को बढ़ावा देने में, उसके growth में India में। He was awarded the Sahitya Academy Award, जिसको साहित्य अकादमी बोलते हैं, in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. उनके नॉवेल का नाम है आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी मिला था 1992 में। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014। तो साहित्य अकादमी को ज़रूर याद रखिएगा, बाकी भूल भी सकते हैं, हालांकि याद रखेंगे तो और अच्छी बात है। खैर, Most of his works are influenced by life in the hill stations at the foothills of the Himalayas where he spent his childhood. ज़्यादातर जो उनकी रचनाएं हैं, जो उन्होंने ज़िंदगी बिताई है foothills में, हिमालयाज़ के foothills में। foothills का मतलब जो पर्वत के नीचे का इलाका होता है, जहां पर गांव बसे होते हैं, उन जगहों पर जो उन्होंने समय बिताया है, उससे ज़्यादा प्रभावित हैं उनकी रचनाएं। On writing for children, he said, I had a pretty lonely childhood and it helps me to understand a child better. अब मुझे पता नहीं कि lonely pretty कैसे हो सकता है, लेकिन pretty lonely का मतलब यहाँ पर है काफ़ी अधिक मात्रा में, है ना। यानी बचपन इनका थोड़ा lonely बीता था और इसलिए इन्हें लगता है कि child को बेटर तरीके से ये समझ सकते हैं। बॉन्ड्स वर्क रिफ्लेक्ट्स हिज एंग्लो इंडियन एक्सपीरियंसेस एंड द चेंजिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया।
देखिए एंग्लो इंडियन एक्सपीरियंस का मतलब जो बाई डिसेंट ब्रिटिश हैं और रहते इंडिया में हैं, तो एंग्लो इंडियन एक्सपीरियंस हो गया। और जिस तरह से जब ये रहे हैं शुरू से अब तक जो हैं, कुछ समय इनका इंग्लैंड में भी बीता, फ़िलहाल इंडिया में हैं ये, तो जो परिस्थितियाँ बदलें पॉलिटिकली सोशली कल्चरली, वो चीज़ें एक लंबा समय देखा इन्होंने, 80-81 साल के हैं। तो हैविंग बीन थ्रू कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेजेस ऑफ इंडिया, चूँकि 1934 में पैदा हुए तो इसका मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय ये कितने साल के थे, लगभग 14 साल के। तो उस समय का समय, उसके बाद आज़ादी के बाद का समय, कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो देखा इन्होंने, जो एक बदलाव देखा, वो सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा आपको इनकी राइटिंग पर। ठीक है। बींग राइटर फॉर ओवर 50 ईयर्स, बॉन्ड एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट जॉनरास। अर्ली वर्क्स इंक्लूड फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेला, विद सम बींग ऑटोबायोग्राफिकल। लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है इनका और अलग अलग जॉनरा में लिखा है इन्होंने, जिसमें फिक्शन, देखिए फिक्शन नॉवल के लिए फिक्शन वर्ड यूज़ किया, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेला और कुछ ऑटोबायोग्राफिकल भी हैं उसमें। लेटर ही ट्राइड आउट नॉन फिक्शन, रोमांस एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और बाद में नॉन फिक्शन, रोमांस और बच्चों की किताबें भी लिखी उन्होंने। ही सेड हिज फेवरेट जॉनराज आर एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। रस्किन बॉन्ड का खुद का फेवरेट जॉनरा जो है वो एसेज हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं। He considers himself a visual writer. आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं रस्किन बॉन्ड में नाउन फ्रेज इन अ पोजिशन करके, है ना, इन अ पोजिशन। रस्किन बॉन्ड अ विजुअल राइटर, वॉट ही क्लेम्स हिमसेल्फ। सो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ विजुअल राइटर। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं विजुअल राइटर खुद को? बिकॉज फॉर शॉर्ट स्टोरीज ही फर्स्ट इमेजिन्स इट लाइक अ फिल्म एंड देन नोट्स इट डाउन। इनका जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस, वो ऐसा ही है कि पहले कहानी, जो शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहते हैं ये, उसको पहले वो एक फिल्म की तरह इमेजिन करते हैं, उसके बाद उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी बातें रहीं विकिपीडिया से। अब थोड़ा हम आते हैं एम के नायक पर। एम के नायक में शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, वो आपके काम की चीज़ है शॉर्ट स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉवल वाला पोर्शन मैं कवर नहीं कर रहा अभी, रस्किन बॉन्ड का, उस पर फिर कभी बात करेंगे। हाँ, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जब जब बात शॉर्ट स्टोरी की आती है तो दो बड़े नाम दिमाग में पहले कौंधते हैं इंग्लिश राइटिंग में, नॉट इंडियन, इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग की बात हम कर रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी की दुनिया के दो बड़े नाम याद आते हैं, एक हैं मोपासा और दूसरे हैं ओ हेनरी। खैर, ओ हेनरी को ज़्यादा लोग जानते होंगे, मोपासा हैं एक बड़ा नाम, लेकिन ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है। खैर, उसके अलावा और भी कई नाम हैं शॉर्ट स्टोरी की दुनिया में। हमारे हिंदुस्तान से आर के नारायण भी एक काफ़ी अच्छे शॉर्ट स्टोरी टेलर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। मुल्कराज आनंद ने भी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, और भी आप देखेंगे आपके सिलेबस में जो चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं उसमें और कई नाम हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में डी एस लॉरेंस का भी नाम आता है, सॉमरसेट मॉम हैं, ग्राहम ग्रीनी हैं, लेकिन मुझे जो दो राइटर बहुत ज़्यादा पसंद हैं वो हैं मोपासा और ओ हेनरी। इन दोनों में ख़ासियत ये है कि दे ब्रिंग सरप्राइज एंडिंग इन दियर शॉर्ट स्टोरी। और हाँ, एक शॉर्ट स्टोरी में और बड़ा नाम है, कैसे भूल सकता हूँ उनको, एडगर एलन पो। तो रस्किन बॉन्ड की ख़ासियत भी यही अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं इनके शॉर्ट स्टोरीज़ में भी वो सरप्राइज एंडिंग देखने को मिलती है। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और लास्ट में कुछ ऐसा जानने को मिलता है आपको दैट यू रिमेन अमेज्ड।
यू रिमेन सरप्राइज्ड। और रस्किन पॉन्ड की शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ करके ही एक इच्छा जगती है कि ये इंसान नॉवेल लिखता होगा तो कैसा लिखता होगा। खैर, अभी बात शॉर्ट स्टोरी की आ रही है, हो रही है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। रस्किन बॉन्ड हैज़ पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, कई सारे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ उनके पब्लिश हुए हैं। नेवर्स वाइफ एंड अदर स्टोरीज़ 1966 में, माय फर्स्ट लव एंड अदर स्टोरीज़, क्या बात है, एकदम याद रहने वाली स्टोरीज़ हैं। पहले का क्या नाम था, नेवर्स वाइफ एंड अदर स्टोरीज़ 1966, और दूसरी स्टोरी का कलेक्शन माय फर्स्ट लव एंड अदर स्टोरीज़ 1968 में, द मैनिएटर ऑफ मंजरी 1972 एंड द गर्ल फ्रॉम कोपेनहेगन 1977। तो ये कुछ कलेक्शंस के नाम हैं, दो चार नाम हैं, इसको याद रखिए। फेवरेट सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, टॉपिक्स की बात करें, तो पेट्स यानी पालतू जानवर, पेट्स, एनिमल्स एंड अ वैरायटी ऑफ हैव नॉट्स इंक्लूडिंग वाइफ्स, ऑर्फेंस, एबनॉर्मल चिल्ड्रन, रेस्टलेस एडोलसेंट्स एंड फ्रस्ट्रेटेड ओल्ड मैन होम ही पोर्ट्रेज विद जेन्युइन कंपैशन। देखिए, ये सब सब्जेक्ट हैं उनकी राइटिंग के, ठीक है, पेट्स, एनिमल्स, ऑर्फन्स, अनाथ बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे, रेस्टलेस एडोलसेंट, किशोरावस्था में जो एक जिसको कहते हैं टर्बुलेंट एज है, तो किशोरावस्था में क्या साइकोलॉजी किस ढंग से वर्क करती है उसको लेकर के लिखना, फ्रस्ट्रेटेड ओल्ड मैन, देखिए उम्र के साथ जब उम्र बढ़ जाती है तो जब ऐसा समय आता है 60 के ऊपर जब जाता है इंसान, जब जो करना होता है लाइफ में करके घर बैठा रहता है, कोई साथ बैठने के लिए हो न हो, अकेले लाइफ गुजारनी है, ज़िंदगी काटनी है, और यूँ कहें कि बैठ कर के मौत का इंतज़ार करना है, उस समय जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड ओल्ड मैन। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ओल्ड मैन के साथ यही होता है कि वो केवल बैठ करके मौत का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ ना करे तो उसके लिए और कोई चारा नहीं बचता, इसीलिए इंसान को काम करते रहना चाहिए जब तक हाथ पैर चले। खैर, सो होमी पोर्ट्रेज विद जेन्युइन कंपैशन, सब में आपको, सबके पोर्ट्रेयल में आपको एक कंपैशन नज़र आएगा, जेन्युइन कंपैशन नज़र आएगा। हिज एक्सरसाइजेज इन द सुपर नेचुरल लाइक, क्या बात है, सुपर नेचुरल सब्जेक्ट्स का भी ट्रीटमेंट मिलेगा आपको इनके वर्क में, जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पर एम के नायक ने, नेवर शूट अ मंकी एंड हॉन्टेड बंगलो। हॉन्टेड बंगला, बंगलो से याद आता है मुझे द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, ये शॉर्ट स्टोरी है एडगर एलन पो की। वैसे भी भूतहा हवेली, पुरानी हवेली, इस तरह के कैसल ऑफ ओट्रांटो, सुना ही होगा नाम, तो जहाँ भी बात सुपर नेचुरल की आती है तो ये हवेली का जिक्र ज़रूर आता है, है ना, या वो क्या नाम है, हाँ, भूल भुलैया। खैर, आर एडिक्वेट दो बाई नो मीन्स ब्रिलियंट, मतलब ठीक ठाक हैं, सुपर नेचुरल जो है, सुपर नेचुरल चीज़ों का जो डिपिक्शन है बहुत ब्रिलियंट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, एम के नायक का कहना है। बॉन्ड इज एट हिज बेस्ट इन इवोकिंग अ मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया, देखिए, फॉर द वैनिश्ड साइट्स एंड सीन्स ऑफ बॉयहुड, इस मामले में तो कहीं ना कहीं तो वर्सवत की याद दिला दे रहे हैं, इस मामले में बेहतर हैं वो। हाँ, क्या बोला जा रहा है कि बचपन का मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया, जो हम बैठे बैठे अपने बचपन में चले जाते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बचपन के वो प्यारे दिन। खैर, सबका बचपन प्यारा नहीं होता, लेकिन बचपन को एक अच्छी एज माना जाता है, क्योंकि उस समय, कुछ समय तक
बच्चों को देश दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रहता, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, इंजॉय करते हैं। तो बचपन के बारे में सोचना, एक बच्चा कैसे या एक युवा कैसे अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचता है, उसको लेकर के कैसे नॉस्टैल्जिक होता है, खो जाता है उन भावों में, उन चीज़ों का प्रेजेंटेशन ठीक ठाक मिलेगा आपको इनकी राइटिंग में। ऑफ द पैथोस ऑफ द इनएक्सोरेबल मार्च ऑफ टाइम, कैसे समय बीतता है तो कितनी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, कितना कुछ लूज़ कर जाते हैं लाइफ में हम, वो जो पैथोस है उसका डिपिक्शन ठीक ठाक मिलेगा। एज इन द मीटिंग पूल, उदाहरण के रूप में मीटिंग पूल में जैसा है, आई कांट क्लाइम ट्रीज एनी मोर एंड माई फादर्स ट्रीज, ये सारी चीज़ें, ये जो वर्क हैं ये उन्हीं नॉस्टैल्जिया और पैथोस पर बेस्ड हैं। इन ऑल द थ्री स्टोरीज द मिडिल एजड नरेटर विजिट्स अ सीन ऑफ हिज बॉयहुड, इन तीनों स्टोरी में क्या है, जो नरेटर है वो अपने बचपन के दिनों में वापस जाता है एंड फील्स द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज बोथ इन द सेटिंग एंड हिमसेल्फ, और देखता है कि कितना कुछ बदलाव आ गया है। अनदर स्पेशल फीचर ऑफ बॉन्ड्स स्टोरीज इज हिज एक्यूट रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, तो नेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं बॉन्ड। द ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, इट इज़ नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ नेचर डिस्क्रिप्शन एज अ नरेटिव टेक्निक, केवल ये नरेटिव टेक्निक के रूप में यूज़ नहीं है, बट अ जेन्युइन फीलिंग फॉर द नेचुरल वर्ल्ड विच हैज़ सम वॉट ऑफ अ वर्ड्स वर्दियन क्वालिटी अबाउट इट। देखिए आई क्या ना वर्ड्स वर्दियन, मतलब जो जुड़ाव वर्ड्सवर्थ का हुआ करता था नेचर से, वो जुड़ाव जो है रस्किन बॉन्ड का भी है नेचर से। इससे मुझे याद आ गई वो बात, हमारे प्रोफेसर बताया करते थे कि कैसे एक संयोगवश एक घटना घटी कि विवेकानंद जब कॉलेज में थे, इंग्लिश का लेक्चर होना था, इंग्लिश के टीचर आ नहीं थे, प्रिंसिपल ने कहा चलो हम ही क्लास ले लेते हैं, लगे वर्ड्सवर्थ को पढ़ाने, वर्ड्सवर्थ की फीलिंग इंटेंसिटी इंटेंसिफाइड मोमेंट्स के बारे में जब बात करना शुरू किए तो बताया कि वर्ड्सवर्थ नेचर में रहने के बाद ऐसे जब खो जाते थे तो ऐसे खो जाते थे, फिर आसपास की चीज़ों से शुद्ध बुद्ध ख़त्म हो जाता था उनका का, और बताया कि उनके जानने में वो प्रोफेसर जो थे जो प्रिंसिपल थे उनके जानने में ये था कि ऐसा एक ही इंसान था उस क्षेत्र में जहाँ वो लोग रहते थे और वो थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने बताया कि परमहंस कुछ ऐसा ही फील करते हैं, ही गोज़ इन इंटेंसिफाइड मोमेंट्स। खैर रामकृष्ण परमहंस तो जब भाव विभोर होते थे, जब एकदम निमग्न हो जाते थे, समाधि में जब चले जाते थे तो वो तो कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी कपड़ा निकल कर गिर जाता था। खैर कहने वाले ने भले कह दिया हो कि वर्ड्सवर्थ जैसा वो फील करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वर्ड्सवर्थ कहाँ फील कर पाते रहे होंगे वैसा जैसा रामकृष्ण परमहंस फील किया करते थे। इट इज़ नॉट सिंपली मैटर ऑफ नेचर डिस्क्रिप्शन एज अ नरेटिव टेक्निक बट अ जेन्युइन फीलिंग फॉर द नेचुरल वर्ल्ड विच हैज़ सम वॉट ऑफ अ वर्ड्सवर्थ इन क्वालिटी अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली बॉन्ड हैज़ नॉट ऑलवेज रिटन इन दिस वेन एंड हैज़ हिज ओन शेयर ऑफ स्लिक मैगजीन्स स्टोरीज एज वेल। मैगजीन्स स्टोरी का मतलब मैगजीन में लिखे जाने वाली स्टोरीज़ का भी अपना एक इनका कॉलम रहता है, आपको मिल भी जाएंगी, न्यूज़पेपर्स में भी इनकी स्टोरीज पब्लिश होती रहती हैं। नायक का कहना है कि मतलब हमेशा वो उस वेन में नहीं रह पाते, तो खैर जब वर्ड्सवर्थ से कंपेयर कर ही दिया तो वर्ड्सवर्थ की भी तो क्वालिटी यही थी। कुछ कविताएं हैं जो बहुत फेमस है, कुछ कविताएं ऐसी हैं जो कूड़ा कचरा बन करके रखी हुई हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने, सारी कविताएं उतनी थोड़ी पढ़ी जाती हैं। चलिए तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही रस्किन बॉन्ड के बारे में, आई होप थोड़ा सा आप अवेयर हुए होंगे उनके बारे में। धन्यवाद।